हाय एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ घुमाने मेरे गांव के कुछ प्रसिद्ध मंदिर। 3 मंदिर आज मैं आपको घुमाऊंगी और साथ में गांव की खेती वगैरह के नज़ारे भी आपको देखने मिलेंगे। सो देखते जाइए व्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। कुछ हिस्टोरिक स्टोरीज भी आपको सुनाऊंगी। रिमझिम दीदी अब नहीं आ पा। अनुई दी अब नहीं। अरे बाप बेटा, ऐसे क्लिक करो। क्लिक नहीं हो रहा है, यूट्यूब चल रहा है। अच्छा। मामा साइड में देखिए। कहाँ? यहाँ बस। अच्छा यहाँ इसे देखो। अच्छा यहाँ इसका इनका विशेष हो। ले लिया मैंने। तो मेरा जो गांव है, जो मेरा ननिहाल है, वो है महुआ डाबर, जो कि बबनान इसमें आता है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट में आता है बेसिकली, उत्तर प्रदेश में। तो हम सारे निकल गए बस गांव के आसपास के गांव के क्लोज के मंदिर दर्शन करने, जो कि हम बचपन से जाते आए हैं। जब भी हम अपने ननिहाल जाते हैं तो सबसे पहला था ये साईं बाबा मंदिर। इस जगह की खासियत ये कि जो आप ये मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये सब गुजरात से बनवा के मंगाई गई हैं और इसको स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठान हुआ है यहाँ पर। और जो मेन मंदिर है यहाँ, जो कि साईं बाबा मंदिर है, उसकी मिट्टी और उसकी मूर्ति दोनों शिरडी से मंगाई गई है। यहाँ पर बहुत आस्था है इस मंदिर की, बहुत अच्छे से पूजा पाठ होता है। थर्सडे स्पेशली साईं बाबा की भंडारा वगैरह किया जाता है, लोग मन्नत मांगते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर होता है। हम जब भी जाते हैं तो हम इस मंदिर को ज़रूर विजिट करते हैं, और इस बार तो ये और अच्छा बन गया था। इस तरह का ये प्रिमाइसिस हैं साईं बाबा मंदिर के, और यहाँ पर सारे लोग आते हैं, जागरण वगैरह होता है, कीर्तन होता है, इतना बढ़िया लगता है। तो ये आपके लिए सबसे पहले मंदिर का दर्शन। उसके बाद हम निकले दूसरे मंदिर की तरफ। आपको जो ये दिख रही है नील गाय, आपको दूर से देखने में लग रहा होगा ये हिरण है, पर ये हिरण नहीं है। ये दिखती वैसी है पर ये नील गाय होती है। आप सर्च करिएगा नील गाय किस तरह की दिखती है, आपको समझ में आएगा। हमारे गाँव में नील गाय बहुत आसानी से दिख जाती है, हिरण वगैरह भी हैं पर वो अंदर की तरफ है। और ये है गाँव के नज़ारे, गाँव के जो घर होते हैं, छोटे छोटे जो घर होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और किस तरह हर जगह ग्रीनरी। आप देखते हैं गाँव और शहर में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर कुछ अलग आनंद आता है घूमने फिरने का। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट मंदिर के बारे में जहाँ हम जा रहे हैं। उस मंदिर का नाम है श्रृंगी नारी या श्रृंगनारी जैसे उसको बोला जाता है। उसकी खासियत कुछ और है, उसकी हिस्ट्री कुछ और है। वो डायरेक्टली रिलेटेड है श्री राम के जन्म से। कहते हैं कि राजा दशरथ ने एक यज्ञ किया था पुत्रों के लिए। तो वो जो यज्ञ हुआ था, जब वहाँ पर ऋषि श्रृंगी जो हैं वो यज्ञ कर रहे थे, तो उनकी पत्नी जो शांता है वो यहाँ पर देवी की पूजा कर रही थी। और उसी पूजा के बाद जब वो यज्ञ खत्म हुआ तो यहाँ पर देवी की स्थापना की गई। ये जो यज्ञ था वो आषाढ़ माह के मंगलवार को समाप्त हुआ, और आज भी इस समय ये जो समय आता है उसमें यहाँ पर खूब बड़ा मेला लगता है, लोग आते हैं। यहाँ पर हमारे घर के सभी बच्चों का मुंडन होता है, और जो भी नए जोड़े होते हैं जिनकी शादी होती है वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते। तो बेसिकली हमारे घर की बहुत आस्था है इस मंदिर में, और जैसे कि मैंने आपको बताया राम जन्म से भी इसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और ये जो आपको दिख रहे हैं वो है मेरे मामा, छोटे मामा, और मेरी मम्मा। तो मेरी मम्मा सबसे छोटी हैं, और ये मेरे मम्मी के बड़े भाई हैं, बट मेरे एक और मामा हैं जो कि बड़े मामा हैं, वो इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। अनु दीदी ये क्यों बनाते हैं? ये मन्नत का होता है या पहले से बना हुआ है? चढ़ाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो हाथी बने हैं ये चढ़ावे के हैं, मतलब किसी की मन्नत पूरी होती है तो लोग बनाते हैं इसको। हाँ, हाँ, जिसकी मन्नत का ये रहता है। हाँ हाँ, अलग 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 ना सब हाथी हैं, और घंटी भी लगाते हैं क्या यहीं पर? कोई मन्नत मांगे रहता है ना कि मेरी मन्नत पूरी होगी तो फिर हाँ पाव की किलो की जो भी घंटी। हाँ
ये मंदिर के बैकग्राउंड में अब जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली जब लड़की वगैरह दिखाई जाती है, लड़के वाले मिलते हैं, तो उस तरह के हॉल वगैरह बना दिए गए हैं लोगों ने मिलजुल के, और यू नो कंट्रीब्यूट करके इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि अगर आप चाहो तो आप जो देखने का कार्यक्रम होता है शादी के पहले वो यहाँ पर बहुत आसानी से किया जा सकता है। जब हम आए थे तो भी वो चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैरिज हॉल भी बन रहा है, तो बेसिकली जन कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर बन रही हैं। आसपास लोगों को यू नो आराम होगा उससे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाँव में बहुत ज़रूरी होती हैं ये सब सोशल कार्यों के लिए, तो वो सब भी यहाँ पर बना दिया गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर कि मंदिर को इतने अच्छी तरह से यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर इतने अच्छी चीज़ों के लिए। सो इट्स रियली नाइस, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू सी कि कैसे हमारा गाँव धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं और लोगों की सोच कितनी अच्छी है यहाँ पर। तो अभी भी यहाँ पर बहुत वार्म फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। और हम इसके बाद जस्ट मंदिर के द्वार के बाहर की तरफ ही बजरंग बली का जो मंदिर है वहाँ पर हमने दर्शन किए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत मज़ा आया है यहाँ पर हमें जाकर। बहुत ही अच्छा लगा, सुकून भी मिला और बहुत फ़न भी था। बहुत अच्छा लगता है फैमिली के साथ कहीं भी आप निकले घूम कर आए तो। तो कुछ लोग मिसिंग थे फैमिली के, हालांकि बहुत सारे मिसिंग थे, इनफैक्ट कुछ लोग नहीं बहुत सारे मिसिंग थे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर उनसे मिलना हुआ तो मैं यूट्यूब पर उनको भी इंट्रोड्यूस कराऊँगी। तो फिलहाल जो मेरे साथ लोग आए हैं वो सिर्फ मेरी मम्मा हैं, मेरे मामा हैं, मामा की बेटी जो है अनु दीदी वो हैं, एक मेरी भाभी हैं जो दीदी जिनको मैं बोलती हूँ रिमझिम दीदी वो हैं, उनके दोनों बच्चे हैं मेरे भैया के जो कि मैंने लास्ट व्लॉग में इंट्रोड्यूस कराया ही था। तो हम इतने ही लोग आ पाए थे, और एक फूलचंद काका हैं जो हमारे यू नो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं काफ़ी सारे चीज़ों में, मामा के साथ हमेशा रहते हैं। तो वो सारे लोग हम दर्शन करने के लिए आए थे एंड वी वर रियली हैप्पी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो इतने सुंदर इस मंदिर के दर्शन होने के बाद हम निकले कोठई माई के थान। अब आप बोलेंगे ये कौन सी जगह है, ये क्या नाम है कोठई माई के थान? ये अवधि में एक फेज है, अवधि में ये सेंटेंस है जिसको बोला जाता है। कोठई माई मतलब कोठई माँ का स्थान, मतलब उनकी जगह जहाँ पर वो विराजमान है। अब इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कोठई माई हैं जिनके मैं दर्शन कर रही हूँ, ये हमारी कुलदेवी हैं, मतलब कुलदेवी हमारी मतलब मेरी मम्मी के साइड जो है वो कलहंस हैं, तो कलहंसों की ये कुलदेवी है। इनफैक्ट ये 52 गांव की कुलदेवी मानी जाती है। कहा जाता है कि कलहंस जब क्षत्रिय जब आए थे राजस्थान से माइग्रेट होकर यहाँ पर, तब उन्होंने इस देवी की स्थापना की थी यहाँ पर ताकि सब कुछ अच्छा बना रहे, सब पर यू नो आशीर्वाद रहे देवी का, तो तब इनकी स्थापना हुई थी। और कहा जाता है कि जहाँ पर ये स्थित हैं वहाँ पर हर एक घर में से सबकी थोड़ी 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 ज़मीन है, उस जगह पर इनको बसाया गया है। तो बहुत ही प्यारी सी कथा है, बहुत ही अच्छी यू नो स्टोरी है जो कि मुझे ऑब्वियसली मेरे मामा से पता चली। तो इस तरह से हमारी कुलदेवी है, बहुत हम मानते हैं इनको और हम इनके दर्शन करने ज़रूर आते हैं। यहाँ के गाँव के लोग तो समय समय से इनके दर्शन करते रहते हैं। अभी काफ़ी इनका भी मंदिर काफ़ी डेवलप किया जा रहा था जब मैं जा रही थी, तो बहुत अच्छे से बन रहा था ये। तो ये है कोठई माई के थान की जो मतलब जो हिस्ट्री है, जो भी है, तो ये उनकी हिस्ट्री है। 52 गाँव की ये कुलदेवी मानी जाती है एंड शायद इनका ये आशीर्वाद है कि इन सब गाँव में आज तक कभी कोई अकाल कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अपना अपना फेथ होता है और इनकी मान्यता बहुत है यहाँ पर, तो थैंकफुली मुझे इनके भी दर्शन करने मिले। मेरी नानी बहुत मानती थी इनको। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग जो कि मैंने कोशिश किया जितना मैं इंटरेस्टिंग बना सकूँ आप लोगों के लिए। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और व्लॉग का इंतज़ार करिए। थैंक यू।